हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से फ्रैंकलिन बनी हुई हूँ और आज मैं आप लोगों को लेकर के जाऊंगी एक कब्रिस्तान में। मुझे पता चला है कि वहाँ पे भूत रहते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे एडवेंचरस चीज़ें करना कितना ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, हम लोग काली अंधेरी रात में पहुँच चुके हैं उस कब्रिस्तान में। तो अंदर चल के देखते हैं कि वहाँ हमें कोई भूत आज मिलता है या नहीं दोस्तों। लेकिन मुझे ना अंदर से थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंधेरी रात है और बारिश भी शुरू हो चुकी है। ये मुझे अजीब सी आवाज़ किसकी आ रही है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। चलिए देखते हैं कि ये रोने की आवाज़ आ कहाँ से रही है। कहीं कोई अपने बच्चे को यहाँ भूल कर तो नहीं चला गया? अगर वो कोई इंसान का बच्चा है ना, तो हमें उसकी मदद करनी होगी गाइस, उसको सेफली उसके घर पहुंचाना होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, इसलिए विज़न ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन मुझे कुछ अजीब सा फील भी हो रहा है, जैसे कि कोई मुझ पर नज़र रख रहा है। गाइस, बच्चे की रोने की आवाज़ जो है वो बढ़ती ही जा रही है, तो हमें जल्दी से वहाँ पहुँचना होगा। चलिए, शायद इस तरफ से आवाज़ आ रही है, तो इधर की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। शायद उसको हमारी मदद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अंधेरा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ दूर कुछ नज़र आ रहा है, शायद ये वही बच्चा है जो रो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। मुझे ना डर बहुत ही ज़्यादा लग रहा है अंदर से, लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे की मदद करने के बाद भूत को ज़रूर देखना चाहूँगी। आखिर वो भूत दिखता कैसा है, बहुत ही ज़्यादा मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए। तो धीरे धीरे उस बच्चे के पास मैं डरते डरते आगे बढ़ रही हूँ। ये कैसा अजीब सा बच्चा है! ओह नो गाइस, ये तो बच्चे का भूत है, हमें भागना होगा यहाँ से। ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई गाइस। वहाँ मुझे कोई नजर आ रहा है, क्या वो इस बच्चे की माँ है? अरे नहीं, ये तो भूतनी है। अरे मैं तो फंस गई यहाँ पे लगता है, और इसने मुझे देख भी लिया। मुझे तो डर के मारे चक्कर आने लगे, लेकिन मुझे फाइट बैक करना ही होगा। तो मैंने अपनी गन्स निकाल ली हैं, और अगर मुझे ये भूत दोबारा से मिले तो मैं इन पे गोलियां चला दूंगी। तो अब हिम्मत करके मैं वापस इसी कब्रिस्तान में आ गई हूँ। अरे भूत, कहाँ है तू? बाहर निकल, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, निकल बाहर। लगता है ये भूतनी भी पूरे गुस्से में आ गई है और ये मेरी तरफ ही आ रही। ओह नो, इसने मुझे क्या फेंक के मार दिया! आप देख सकते हो गाइस, मेरा कितना ज्यादा ब्लड निकलने लगा और मुझे बहुत ही ज्यादा पेन भी हो रहा है। तो पहले मुझे अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढना होगा छुपने के लिए। तो वहां से मैं बहुत दूर भाग आई हूँ, आई थिंक। ओह नो, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। अरे ओ भूतनी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। अरे नहीं, इसने तो पकड़ लिया, मुझे लगता है आज ये मुझे नहीं छोड़ेगी। गाइस, ये तो मुझे गन चलाने का मौका ही नहीं दे रही है। लेकिन मौका मिलते ही मैंने भी इसके ऊपर गोली चला दी, लेकिन फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहां जाऊं। और अब तो ये मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है और मेरे ऊपर हमले पे हमले करती जा रही है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और अब इसने अपने साथी को भी बुला लिया है। लगता है ये दोनों मिलके मुझे मार ही डालेंगे आज। अरे भाई, ये तो गोले तक दाग रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ मैं फंस गई एडवेंचर करने के चक्कर में। अब तो भाई मैं इनसे लड़ना नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि मुझे भाग ही जाऊँ। अरे ये बच्चा आ गया मेरे सामने, इस पर गोली चला देती हूँ। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा तरस भी आ रहा है इसके ऊपर, छोड़ देती हूँ इसको। और अरे ये फिर से पीछे आ गई, अब तुम दोनों चुपचाप यहीं खड़े रहो। मेरे पीछे आए या मुझे मारने की कोशिश की ना, ज़्यादा चू चपड़ की, तो तुम दोनों को यहीं भून के रख दूंगी। और मैं धीरे धीरे गाइस पीछे की तरफ आ रही हूँ, बस इस कब्रिस्तान से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। आज के लिए तो बहुत हो गया, आज तो बस मेरी जान जाते जाते बच गई है। तो मैं धीरे धीरे उनकी तरफ गन ताने हुए हूँ और पीछे निकलती जा रही हूँ। आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, पूरा पानी पानी यहाँ पे भर गया है, और वो दोनों अभी भी वहीं खड़े हुए हैं। थैंक गॉड मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं। अंदर से डर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रही हूँ।
थैंक गॉड वो दोनों मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं। और अब मैं बस बाहर निकलने ही वाली हूँ। इस कब्रिस्तान का जो एग्जिट गेट है वो मुझे दिख चुका है और मैंने पूरा दौड़ना स्टार्ट कर दिया। बस मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ही मैं बाहर निकलूँ मुझे एक गाड़ी मिल जाए और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो गाइस गेट थोड़ा साइड में था तो बाउंड्री से ही कूद के मैं बाहर निकल आई और ये गाड़ी ये खड़ी हुई है सिग्नल पे। अरे ओ भाई खोल खोल मुझे लिफ्ट दे दे। ये लिफ्ट देने के मूड में नहीं था गाइस तो मैंने इसको ना बाहर ही फेंक दिया। और अब ये गाड़ी लेके मैं भाग रही हूँ यहाँ से बहुत दूर और मैं कान पकड़ती हूँ भाई दोबारा नहीं आऊँगी मैं यहाँ पे। तो आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।